नमस्कार, स्वागत है आपका द जेके पेजेस में और मैं आयुषी। आज बात करने जा रहे हैं हम एक ऐसी चीज़ की जो आज की डेट में सभी के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है कि लोगों को खुद का नहीं पता, लेकिन लोग उस चीज़ के बिना रह नहीं सकते। वो है हमारा छोटा सा फ़ोन। हाँ जी, आइए बात करते हैं हम अब फ़ोन पर। 1876 में टेलीफोन का आविष्कार हुआ, उसके बाद 1906 में वायरलेस फ़ोन का आविष्कार हुआ था, जिसके बाद टेलीफोन पे इतने आविष्कार हुए कि टेलीफोन का नाम टेलीफोन से मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन से सेलफोन, और अब सेलफोन से सिर्फ फ़ोन ही बन के रह गया है। जब टेलीफोन का आविष्कार किया गया था, केवल दूर बैठे व्यक्ति से बात करने के लिए किया गया था। अब की बात की जाए तो जैसे पूरी दुनिया ही फ़ोन पर निर्भर है, बात करते हैं 1983 की, जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ था। उस आविष्कार के बाद तो जैसे फ़ोन को चार चांद ही लग गए हों। आज के समय में फ़ोन फ़ोन का ही नहीं, फ़ोन, लैपटॉप, एटीएम, टेलीविज़न, कैमरा, रेडियो, घड़ी, बुक्स आदि जैसे बहुत ही ज़्यादा चीज़ों का काम कर रहा है। आज की जनरेशन की बात करें तो आज की जनरेशन के लिए खाना खाने से ज़्यादा फ़ोन है। खाना खाया या नहीं ये पता नहीं, लेकिन फ़ोन चार्ज है या नहीं ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करें फ़ोन की टेक्नोलॉजी के साथ साथ फ़ोन के फ़ीचर्स की। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आविष्कार करती जाएगी, वैसे वैसे फ़ीचर्स जो हैं वो अच्छे होते जाएंगे। जितने ज़्यादा फ़ीचर उतना ज़्यादा प्राइस। अब बात करते हैं फ़ोन के एक ऐसे फ़ीचर की जिसको लेके लड़कियां बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं। हाँ, मैं भी कॉन्शियस हूँ उसको लेके, लेकिन लड़कियां मेरे अलावा और भी जो बाकी लड़कियां हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं। वो है हमारे फ़ोन का कैमरा और कैमरा क्वालिटी। आजकल वैसे मेकअप करने की ज़रूरत नहीं, कैमरा ही काफ़ी है। कैमरा क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही महंगा फ़ोन का प्राइस होता जाएगा। और अब कैमरा फीचर में इतने फीचर आ चुके हैं कि पूरा हुलिया ही बदल जाता है। अब बात करते हैं फ़ोन से खींचने वाली फ़ोटो की। अब फ़ोन से खींचने वाली फ़ोटो की बात हो ही रही है तो जिस तरह आप सब लोग जानते ही हैं, फ़ोटो के अब इतने नाम हो चुके हैं कि उनको फ़ोटो, इमेज, पिक्चर और सामने से खींचने वाली फ़ोटो को तो सेल्फ़ी कहा जाता है। और आजकल के लोग फ़ोटो और सेल्फ़ी को लेकर इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं कि वो चाहे किचन में बनने वाली सब्ज़ी हो, चाहे टेबल पे पड़ा कप हो, उन सब चीज़ों की फ़ोटो लेना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। लोग सेल्फ़ी के चक्कर में अपनी जान तक को जोखिम में डाल देते हैं और सेल्फ़ी के दिखावे के कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। माना कि फ़ोटो से यादें बनी रहती हैं, उन यादों के चक्कर में कहीं आप ही किसी की याद ना बन जाओ, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसीलिए सेल्फ़ी और फ़ोटो के समय अपना ध्यान रखें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आयुषी द जेके पेजेस के साथ, धन्यवाद।